हेलो फ्रेंड्स, सिंप्लीफाई ट्रिपल सी एमएस वर्ड वीडियो सीरीज़ के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि हम एमएस वर्ड में कैसे कॉलम बना सकते हैं, कैसे हम अपने पेज में जो भी हमने डॉक्यूमेंट में लिख रखा है उसको हम कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें। यहाँ पे कॉलम्स जो हमारे होते हैं वो हमारे पेज सेटअप जो हमारा ग्रुप होता है उसके अंदर हमें मिलते हैं। और कॉलम के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ें जैसे हम कर सकते हैं, जैसे कि मुझे डेटा को दो कॉलम में डिवाइड करना है, तीन कॉलम में डिवाइड करना है, या फिर टेस्ट पेपर तैयार करना है हमें, या फिर हम इसका यूज काफ़ी सारी जगहों पे करते हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि न्यूज़पेपर वगैरह में कॉलम्स में छोटे छोटे कॉलम्स में न्यूज़ लिखी होती है, या फिर आपने बुक्स वगैरह में देखे होंगे छोटे छोटे ब्लॉग बने होते हैं कॉलम में डिवाइड होके, या फिर बहुत सारी जगहों पर। आइए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कॉलम को हम क्रिएट करते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट पेज पर, या फिर हम कैसे अपने बने बनाए डॉक्यूमेंट को या डॉक्यूमेंट में हमारा जो भी हमारे टेक्स्ट की फॉर्म में, जैसे कि पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ है या फिर हमें जो भी कुछ डिवाइड करना है वो सारी चीज़ें मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलना होता है, जो कि मैंने यहाँ पे पहले से ही खोल के रखा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये जो हमारा कॉलम का ऑप्शन हमें होता है वो लेआउट टैब के अंदर मिलता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे वर्ड में लेआउट टैब पहले से ही खोल के रखा हुआ है, और यहाँ पे ये जो कॉलम्स का ऑप्शन है वो हमें पेज सेटअप ग्रुप के अंदर मिल रहा है। यहाँ पे ये देखिए, आप देख ही रहे होंगे कि ये हमें ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे ये जो मैंने लिख रखा हुआ है मुझे इसे ना कॉलम में डिवाइड करना है, इसको हम कैसे करेंगे वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे अगर मुझे ये जो मैंने लिख के रखा हुआ है, कंटेंट तैयार किया हुआ है, अगर मुझे इसे कॉलम में डिवाइड करना है, सबसे पहले तो मुझे इसे सेलेक्ट करना होगा, जो कि मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब अगर मुझे इसे दो कॉलम में डिवाइड करना है तो हम यहाँ पे ये जो हमें कॉलम का ऑप्शन दिख रहा है मैं इस पर आऊँगी। वन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होता है, क्योंकि हम जब भी लिखते हैं तो हमारा पूरा पेज में हम लिखते हैं, जो कि हमारा वन यहाँ पे दिखा रहा है वो बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर मुझे इसे टू कॉलम्स में डिवाइड करना है तो मैं जैसे ही यहाँ पे टू करूँगी, आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी कुछ लिखा हुआ था वो हमारे दूसरे कॉलम में चला गया है। अगर हमें यहाँ पे दूसरे कॉलम में पहुंचना है तो कुछ नहीं, मुझे यहाँ पे डायरेक्ट कर्सर ले जाना है, यहाँ पे रख देना है जाके जिधर भी कॉलम पे पहुंचना है। अगर हमें यहीं पे ये जो थीम्स लिखा हुआ है, यहाँ से मुझे ये जो हमारा लिखा हुआ है थीम से, ये जो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कर्सर यहाँ पे रखा हुआ है, अगर इस एरिया को भी मुझे इधर कॉलम में लेके आना है तो उसके लिए हम करते ये हैं कि हम यहाँ ब्रेक्स के ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे आके मैं ये जो कॉलम लिखा हुआ है ना इस पर क्लिक कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे कॉलम ब्रेक हो चुका है, मेरा जो इधर की तरफ लिखा हुआ था लेफ्ट साइड में वो हमारा राइट साइड में पहुँच चुका है, जो भी कॉलम में लिखा हुआ था पूरा पार्ट। इसके अलावा अगर मुझे ये जो मैंने जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको मुझे तीन कॉलम में डिवाइड करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे फिर से ही क्लिक करूँगी और यहाँ पे मैं थ्री पे क्लिक कर दूँगी। आगे आप देख सकते हैं कि हमारा कॉलम, हमारा जो डॉक्यूमेंट का पेज है, जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो तीन कॉलम में देखिए डिवाइड हो चुका है। आप ऊपर से भी देख सकते हैं रूलर में, यहाँ पे वन टू थ्री, थ्री कॉलम्स दिख रहे हैं। बट हमारा कर्सर यहाँ पे कैसे आएगा तीसरे कॉलम में, उसके लिए मैं यहाँ पे कर्सर रखती हूँ जहाँ पे मेरा दूसरा कॉलम खत्म हो रहा है। हम कीबोर्ड से की प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। जैसे ही मैं कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करूँगी, हमारा जो कर्सर होगा, हाँ कंट्रोल शिफ्ट देन एंटर, ये देखिए हमारा कर्सर तीसरे वाले कॉलम के आगे ही हमारा ब्लिंक करने लगा है। मुझे जो भी कुछ लिखना होगा ये देखिए मैं यहाँ से लिख सकती हूँ, या फिर अगर मुझे करना क्या था कि ये जो हमारा लिखा हुआ इतना पार्ट था मुझे यहाँ पे फिर से कॉलम ब्रेक कराना है, इसे मुझे इधर पहुँचाना है, तो मैं यहाँ पे ये जो रीडिंग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मैंने कर्सर वहाँ पे रखा हुआ है और मैं फिर से यहाँ ब्रेक पे आके इसे कर दूँगी यहाँ पे कॉलम पे क्लिक। आप देख सकते हैं कि हमारा फिर से कॉलम ब्रेक हो चुका है, मैंने रीडिंग को इधर वाले तीसरे कॉलम पर मैं ले आई हूँ। अगर मुझे यहाँ पे ऐसा करना था कि हम चाहते थे कि लेफ्ट साइड में जो हमारा कॉलम हो वो हमारा क्या हो कि छोटे पार्ट में आए ये वाला हिस्सा, और इधर वाला जो हमारा पार्ट हो वो हमारे काफ़ी बड़े एरिया में आए, ये जो हमारा राइट साइड में आ रहा है कॉलम, तो उसके लिए यहाँ पे ये जो हमारे तरीके हैं लेफ्ट और राइट, इन कॉलम को हम चूज़ करेंगे। अगर हम यहाँ पे लेफ्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं लेफ्ट वाला एरिया जो है वो छोटे कॉलम में डिवाइड हुआ है, राइट साइड का जो पार्ट है वो बड़े कॉलम में डिवाइड हो चुका है। इनका यूज हम जैसे कि वन वर्ड वगैरह लिखने में कर सकते हैं कि हमने इधर वन वर्ड छोटा सा लिख दिया है और इसी के बारे में पूरा मुझे कुछ डिफाइन करना है तो मैं यहाँ इधर राइट साइड में कर रही हूँ। सेम इसी का उल्टा, अगर मुझे राइट साइड का पार्ट छोटा रखना था और लेफ्ट साइड का एरिया बड़ा करके रखना था तो मैं इससे यहाँ पे आके इस ऑप्शन से यहाँ राइट सेलेक्ट कर सकती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये चीज़ हमारी अप्लाई हो चुकी है।
अगर मुझे फिर से ये करना है कि हम चाहते हैं हमारे कॉलम ना कई सारे ना आ जाएं यहाँ पे, जैसे 4 या 5 कॉलम इंसर्ट करने, तो उसके लिए हम यहीं पर फिर से आएंगे कॉलम्स पे। लेकिन अगर मुझे 3 से ज़्यादा कॉलम यहाँ पे चाहिए तो मैं यहाँ मोर कॉलम्स पे आऊँगी। यहाँ पे देखिए, अब हमारा ये जो है वो कॉलम का एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया है। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे हम जितने चाहें उतने कॉलम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने 6 कॉलम कर लिए हैं, और अगर हम चाहते हैं हर कॉलम के बीच में हमारी लाइन बन के आए, तो ये जो लाइन बिटवीन का ऑप्शन है मैंने इसे भी टिक कर दिया है, और मैं यहाँ पे कर दूंगी ओके। तो आप देख सकते हैं हमारा जो पेज है वो हमारा 6 कॉलम्स में डिवाइड हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये देखिए। तो इसी तरह से हम और भी चाहें तो और भी कॉलम बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे तरीके हैं। अब अगर मुझे फिर से इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को करना क्या है, एक कॉलम में मुझे करना है फिर से, तो हम यहीं पर ही आएंगे कॉलम्स में। मैं यहाँ पे 1 सेलेक्ट कर दूंगी। जैसे ही मैं 1 करूँगी, हमारा जैसा सबसे पहले टाइम पे डॉक्यूमेंट था सेम वैसा ही हो जाएगा। इसके बाद ये जो ऑप्शन है हमारे ब्रेक के, यहाँ पे क्या होता है इनका यूज, हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे। अगर मुझे यहाँ पे इसके बाद ये जो मुझे नेक्स्ट पेज इंसर्ट करना है, मैं यहाँ पे कुछ लिख लेती हूँ। सबसे पहले अगर मुझे अपने डॉक्यूमेंट में कुछ लिखा हुआ चाहिए, तो उसके लिए एक शॉर्टकट कमांड होती है, इक्वल लगाते हैं, RAND रैंड लिखते हैं, शिफ्ट के साथ 9 और 0 प्रेस करते हैं, जैसे ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, और फिर हम एंटर प्रेस कर देंगे, हमारा लिखा हुआ थोड़ा पार्ट आ जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे करना क्या था कि ये जो हमारा लास्ट पैराग्राफ है, इसके बाद मुझे एक न्यू पेज इंसर्ट करना है। अभी आप देख सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक ही पेज है। अगर मुझे नया पेज यहाँ फिर से चाहिए, तो मैंने कर्सर यहाँ पे रखा हुआ है, और मैं यहाँ ब्रेक पे आऊँगी, मैं यहाँ पे पेज पे क्लिक कर दूँगी। आप देख सकते हैं हमारा न्यू पेज इंसर्ट होके आ गया है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे 2 पेज भी दिख रहे हैं स्टेटस बार में भी। अगर हमें जो हमारा बिगनिंग है यहाँ पे लाइन की, जो हमारा सबसे पहला वाला जो पैराग्राफ लिखा है, मुझे इसके ऊपर एक नया चाहिए पेज, तो हम कैसे इंसर्ट करेंगे? उसके लिए मुझे अपने कर्सर को सबसे स्टार्टिंग में बिगनिंग में रखना होगा, और फिर हम यहाँ पर आके वही सेम तरीका अपनाएंगे, पेज पर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारा पेज इंसर्ट हो चुका है। अब अगर मुझे यहाँ पे ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है, इसका यूज मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कॉलम में ही, यहाँ ये जो हमारा ऑप्शन है इससे हमारा टेक्स्ट रैप हो जाता है। नेक्स्ट पेज का मतलब है यहाँ पे अगर मुझे अपने यहाँ पे ये जो हमारा टेक्स्ट है, इसके बाद मुझे इसे करना क्या है, अगले पेज में पहुँचाना है, तो कर्सर मैं यहीं पर ही रखूँ, और अगर मैं यहाँ से नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर दूँगी, तो जो भी लिखा हुआ कंटेंट था हमारे पैराग्राफ हमारे कर्सर के बाद में, जहाँ पे हमने कर्सर रखा हुआ था, उसके बाद का जो भी हमारा कंटेंट था वो अगले पेज में चला जाएगा। ये जो नीचे के ऑप्शन है, इनसे हमारे इवन और ऑड पेज इंसर्ट होके आते हैं। अगर हम फर्स्ट पेज पे हैं, और अगर हमने यहाँ पे कर दिया है कि हमें ऑड नंबर चाहिए, तो डायरेक्ट हमारा 3 नंबर पेज हो पे हमारा कर्सर पहुँच जाएगा। सेम इसी तरह से ही इवन पेज में भी होगा। अगर हम 2 पेज नंबर पर हैं, और हमने अगर यहाँ से इवन पेज कर दिया है, तो हमारा कर्सर 3 पेज पर नहीं पहुँचेगा, डायरेक्ट पेज नंबर 4 पर पहुँच जाएगा। तो ये सारे के सारे इन ऑप्शंस के यूज होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये जो नेक्स्ट हमारे ऑप्शन है लाइन नंबर्स, इनको यूज करने के लिए हम पहले पूरे के पूरे जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है पूरे डॉक्यूमेंट में, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम इन्हीं लाइंस के आगे चाहते हैं यहाँ पर हमारे लाइन के नंबर भी पढ़कर आ जाएं, तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पे अभी हमारा नन सेलेक्ट हो रखा है। अगर हमने यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया, हाँ ये देखिए, तो हमारे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी हमारे लाइंस के नंबर होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर पढ़ के आ जाएंगे। यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है रीस्टार्ट ईच पेज का मतलब है कि अगर हम हर पेज में चाहते हैं कि 1 से ही हमारी लाइन स्टार्ट हो, तो वो 1 नंबर से ही एक पेज में जितनी भी लाइन लिखी होंगी, 1, 2, 3, 4, 5 अगर जैसे मान लीजिए एक पेज में लिखी हुई है, और फिर नेक्स्ट पेज में 10 लाइन लिखी हुई है, तो वो 1, 2, 3, 4, 5 वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ही अगले पेज में बताएगा। 5 के बाद नेक्स्ट पेज में 6 लाइन नहीं बताएगा। रीस्टार्ट ईच सेक्शन का मतलब होता है कि हम हर सेक्शन से चाहते हैं हमारी लाइन के नंबर स्टार्ट हों। तो ये सारे के सारे हमारे कुछ तरीके होते हैं। अगर मुझे यहाँ से लाइन नंबर हटाना है, तो मैं यहाँ पे नन कर दूंगी, तो हमारे लाइंस के नंबर हट जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा हाइपनेशन। हाइपनेशन का यूज ये होता है कि अगर जैसे हमने यहाँ पे टेक्स्ट को, यहाँ पे इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि वेयर के बाद स्पेस छूटा हुआ है, यू नेक्स्ट लाइन में चला गया है। अगर हम यहाँ पे ऑटोमेटिक कर देते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हाँ मैं इसमें करके दिखाती हूँ, उस वाले लाइन में ज़्यादा नहीं था कुछ करना, मैंने यहाँ पे अभी पहले नन कर दिया।
और अब मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक करती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारे यहाँ पे लाइन है पिक्चर में, पूरा पिक्चर स्पेलिंग यहाँ पर लिखने का, पूरा वर्ड लिखने का स्पेस नहीं था, तो क्या किया है ये इस ऑप्शन ने, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइफन लगा दिया और टी यू आर ई नेक्स्ट लाइन में कर दिया है। अगर हम चाहते हैं पूरी की पूरी स्पेलिंग ही नेक्स्ट लाइन में चली जाए, यहाँ पे इतना भी ना लिख के आए, तो हम यहाँ से जाके इसे नन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पिक्चर पूरा का पूरा नेक्स्ट लाइन में आ गया है। अगर मुझे इसका यूज करना है तो मैं इसका यूज भी कर सकती हूँ। ये देखिए मैनुअल कर दूंगी तो भी हमारा ये इस तरह से आ जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक लगाती हूँ तो हमारा लगा रहेगा, अगर नन कर दूंगी तो ये हमारा हाइपन हट जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये सारे के सारे ऑप्शन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।